नहीं आएंगे पसंद तो रहने देना, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं भी रगड़ू तेरा खुट्टा है। बोलो हेलो गुड मॉर्निंग भाई साहब। ये देखो इसने कल पूरी रात मेरे को सोने नहीं दिया भाई, 5:30 बजे तक मैं इसी के साथ चक्कर लगाने पे लगी हुई थी भयंकर। और अब सो रहा है यार, अब मेरे को भी नींद आ रही है। अभी सुबह के 7 बज चुके, अब हम उठते हैं। बेचैनी सज ले रहा वो सोने गया। तो हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी आज ना आज भी हमारा दिन पूरा सफाई अभियान में चले गया, तो अभी दिन के 2:15 हो रहे, तो चलिए फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा, तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो अभी खाना खा के बर्तन तो मैं धो चुकी हूँ और अभी हाल फिलहाल सफाई चल रही है ना अभी हमारे यहाँ पे। तो मेरे हाथ में है ये नमक का डब्बा और चाकू, क्योंकि मैं अपनी मामी वाली टेक्निक से ना अपने घर की गागर धोने वाली हूँ, उसको भी चमका के देखते हैं चमकती है कि नहीं चमकती है ये वाली गागर, है ना। सब फैला पड़ा अभी, तो अभी गागर के हाल कुछ ऐसे हैं, ये बंद पड़ी हुई थी ना, तो अभी मैं इसको चमकाऊंगी तब दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मेरे पास है ये बड़ा वाला निम्बा, मतलब नींबू नहीं, नींबू का बड़ा भाई है मेरे पास, तो इससे धोते हैं ना। अय्या मैया, अय्या मोरी मैया, ओह चमकेगी भाई, चमकेगी चमकेगी चमकेगी। तो अभी हाल फिलहाल देखो गागर ऐसी कुछ चमक चुकी है हमारी, और ये नींबू इतना बच गया है, और जिस नींबू से मैंने धोया था ना वो देखो वो कैसा पड़ गया, पूरा मैल निकाल दिया उसने इसका। ये अब चमका दिया तो पानी भर के रख ही देते हैं ना। तो तांबे का सबसे अच्छा इलाज है नींबू और नमक। कहाँ पे रखूँ मैं? वहीं क्या करो, बिछा रखा कपड़ा। मंगदा जी मंगदा, हर वेले मंगदा। तो अभी हम लोग की चाय चल रही है यहाँ पे है, और शेरू भाई साहब जी ने लक्ष्मी का रस ही खा दिया उसे छीन के। बेटे नया मिल गया तेरे को, आधे खाएंगे ये। ना 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 बाबू, दयावान बन रही हो। दयावान चमक दयावान। तेरा रस कहाँ गया? रस कहाँ गया तेरा? खा लिया। अबे चाय में खाते उसको, तो पहले खाती तूने। तो अभी चाय पीने के बाद अभी मम्मी को मतलब ताई जी दादी लोग चाची लोग देखने ला रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे नीचे, और अभी हाल फिलहाल मुझे कपड़े समेटने फटाफट से। मैं सोच रही हूँ गांव में चक्कर मार के आती हूँ आज, है ना, गांव में, फिर आपको गांव से नीचे वाले नज़ारे दिखाऊंगी, जो गांव की पूरी सफाई होगी नीचे से, तो वहाँ गाँव से दिखाऊंगी अगर जा पाई तो, नहीं जा पाई तो तब देखते हैं ना, पर टाइम रहा तो मैं जाऊँगी। अभी फटाफट से पहले कपड़े तय करती हूँ, काम निपटाते पहले अपना। और आज अभी किरण की मम्मी, देखो आज किरण की मम्मी हमारे खेत में गुड़ाई कर रही है, और मम्मी लक्ष्मी को संभाल रही है, क्योंकि मम्मी ने अभी गुड़ाई करनी नहीं है तो दीदी कर रही है आज। अब किरण वो लेके आ गया, किरण की पीठ में बांधेंगे अब लक्ष्मी को। मम्मी से मिलने के लिए ताई जी चाची जी और आ रखे हैं, तो मैं उनके लिए फिर से दोबारा यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और दोबारा चाय का मतलब है कि मैं भी दोबारा चाय पीऊंगी, मुझे हक है, क्योंकि जो बनाता है वो पीता ही पीता है भाई, पीता ही पीता है, और मैं तो बिल्कुल ही पीती हूँ। थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो मैंने अपनी पुरानी वाली जैकेट डाल ली है, मैं फिर से अपने पुराने वाले कपड़ों में आ चुकी हूँ, तो बहुत से लोग अब कमेंट करेंगे आ गई उसी जैकेट में, मैडम एक ही जैकेट है तुम्हारे पास। फिर उधर में दो जोड़ी कपड़े लेके गई थी, तो उन्हीं दो जोड़ी कपड़ों में घूम रही थी वहां, अब यहाँ तो मैं पुराने वाली ड्रेस में घूमूंगी। मंगता जी मंगता, हर वेले मंगता।
किसकी बुरी नजर लगी तेरे पे? उसका मुंह काला था, तेरा जैसा मुंह काला होता है। कालू शेरू ये हमारे आ गया, आ गया, आ गया। ये बुरी नजर हो गया, बुरी नजर किसने लगी? किसकी लगी तेरे पे बुरी नजर? उसका तेरा जैसा काला मुंह होता देखा लक्ष्मी को, देखा लक्ष्मी 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 पिट गई अब। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ताई जी चाची जी लोग सबके सब आ रखे थे ना यहाँ पे, तो मैं भी बैठने का मौका तो नहीं छोड़ती हूँ। बहुत टाइम बाद मिले थे वैसे भी हम सबके सब, और वही है कोई मम्मी के हालचाल, जो मम्मी के हालचाल पूछ रहे हैं वो फिर मुझे बधाइयाँ भी दे रहे हैं सबके सब, क्योंकि मेरी सगाई होगी है। और सबके सब फिर यही बोल रहे, अरे चली जाइए अब तो, चली जाइए अब तो, अब तो ऐसा हो रखा है। मेरा गाँव जाने का सीन था, मतलब मैं ऊपर गाँव में जाने वाली थी, बट सब बैठे हुए थे, फिर मैं चाय वाय बनाने लगी, टाइम इतने में निकल गया, फिर मैं गांव गई नहीं। मम्मी ने कहा अब कल फुर्सत से जाइए गांव में, क्योंकि आज तो टाइम वैसे ही शाम होगी। बस अभी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए ऊपर छत में आई थी। अभी आपको दिखाती हूँ जो लैया के खेत, मतलब जो सरसों के खेत थे, मस्त मस्त पीले पीले फूल लगे हुए थे ना, तो अब उसमें पीले फूल हट चुके हैं और उसमें बीज आ चुका है, मतलब लैया सरसों का बीज आ चुका है, मतलब सरसों के जितने भी फूल थे वो सारे झड़ चुके हैं और अब जो सरसों के जो पौधे ना उसमें उनके बीज आ चुके हैं। तो कुछ दिनों बाद हम इनको निकालते हुए भी दिखेंगे। क्यों ठंडे पानी से पैर धो रहा है? मम्मी तो काम करके आ रही है। माँ मेरे को जो ठंडा लग रहा है उसको देख के देखना। इसको देखो, इसको देखो मैडम जी, इतना हल्ला मचा के भाई साहब ये चलने लग गई ना, टिकी नहीं रही है एक सामने, और अब सोगी। दे दे यहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर सब चल रहा है। मैं भी रगड़ू तेरा खुट्टा है, खुट्टा रगड़ू, खुट्टा रगड़ू। ओ माँ आप चमकने लग गया तेरा पैर, वो देखना वो वाला पैर कितना हो रखा है, सही सही धो रहा है तो तब तो अपने पैरों को। ओहो देखने इसने पैर कलर ही चेंज कर दिया अपने पैरों का। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोगों का खाना पीना भी हो चुका है। हाल फिलहाल हम दोनों के दोनों यहाँ पे एडिट करने के लिए बैठे हुए, अभी तो पता नहीं कह रहा पर एडिट करने के लिए बैठा हुआ है। तो बहुत से लोग जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है कि मेरा भाई भी व्लॉगिंग करता है, जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि पुनीत बिस्ट कौन है, पुनीत कौन है, मतलब मैंने डाला था ना कि मैं पुनीत का व्लॉग शूट कर रही थी, तो शायद उसी में। तो आप लोग इसके चैनल में जाके देख सकते हैं, पुनीत बिस्ट करके सर्च मारना, PUNITBISST, तब जाके देखना। पसंद आएंगे तभी लाइक करना, ठीक है, पसंद आएंगे तभी सब्सक्राइब करना इसको। नहीं आएंगे पसंद तो रहने देना, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल मैं भी एडिट करने के लिए बैठती हूँ, वो भी बैठा हुआ है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलेंगे आपको अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।